नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं भुवन दड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जिसको हम कॉमनली कहते हैं पॉस एक्ट पॉस एक्ट दो जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम विशाखा गाइडलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटीन में दी थी जिस किसके रेफरेंस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल किया गया था एक बहुत ही ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था भनवारी देवी सोशल वर्कर थी राजस्थान में तो विशाखा गाइडलाइंस जो बनी उसके बाद ये पौस एक्ट उसी गाइडलाइंस का एक्सटेंशन आप कह सकते हो प्रॉपर एक्ट के रूप में इसको बनाया गया दो के अंदर तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पौस एक्ट के बारे में जानेंगे और क्या उसके स्कोप हैं एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पर पॉस एक्ट लगता है और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है इस वीडियो के अंदर हम उसको समझेंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो आप पॉस एक्ट के बारे में जान जाएंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की क्या डेफिनेशन है अंडर पॉस एक्ट तो पौस एक्ट जो है वो कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट इन ए ब्रॉडर मैनर टू कवर वेरियस फॉर्म ऑफ अनवेलकम बिहेवियर दैट कैन क्रिएट ए हॉस्टाइल वर्क इन्वॉर्मेंट अनवेलकम्ड बिहेवियर मतलब ऐसा कोई बिहेवियर जो अनवेलकम्ड है जिसको स्विक्यार नहीं किया जा सकता द एक्ट इन्क्लूड फॉलोइंग बिहेवियर फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवासिस डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर्स सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क शोइंग पोर्नोग्राफी एनी अदर अनवेलकम फिज़िकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर तो ये सारे अगर कोई भी इस तरह का कोई भी अगर एक्ट हो रहा है बिहेवियर है तो वो आपका सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा इन एक्ट के अलावा इन एडिशन टू दिस डायरेक्ट फॉर्म्स कुछ ऐसे और सेक्सुअल हरासमेंट हैं जो इनडायरेक्टली अगर कहे जाए तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे जैसे कि इनअप्रोप्रिएट जोक्स ई मेल्स रिमार्क दैट क्रिएट इंटीमेडिटिंग और uncomfortable atmosphere कोई ऐसा आप जोक मार रहे हैं जिससे कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और अगेन एंड अगेन यू आर डूइंग दैट तो वो भी एक सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आ सकता है फ्रेंड्स अब इसका स्कोप क्या है पॉस एक्ट का जो है स्कोप क्या रहेगा फॉर्मल uh, ऑफिस होता है उस उसको ही इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है एवरी मतलब आपका जो ऑफिस है वो तो रहेगा ही रहेगा इसके अलावा अगर एनी प्लेस विजिटि बाई इम्प्लॉयी इन कनेक्शन ऑफ वर्क अगर मान लो आप जहाँ जाते हो उसके अलावा भी आप कहीं जा रहे हो ऑफिस की तरफ से कहीं जा रहे हो कोई ट्रांसपोर्ट टेन प्रोवाइड बाय द इम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन अगर इम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है गवर्मेंट बॉडीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल एनी अदर प्लेसिस वेयर इंप्लॉयीज़ इंट्रैक्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ वर्क इवन एक्सटेंडिड वर्क प्लेसिस एस रिमोट लोकेशनस वर्चुअल वर्क तो ये सारे के सारे भी आपके वर्क के अंदर आएंगे अब बात करते हैं कि हु कैन फाइल द कंप्लेन तो एम्प्लॉय तो कर ही सकता है और स्पेशली ये जो एक्ट है वो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको वुमेन को चाहे वो वेदर इम्प्लॉयड और विजिटिंग द वर्क प्लेस मतलब जो इम्प्लॉयी है या फिर कोई विजिट कर रहा है आपके प्रेमिस को वुमन इम्प्लॉयज़ रेगुलर इम्प्लॉयी हो या टेम्परेरी हो या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो फीमेल क्लाइंट वेंडर कैन फाइल द कंप्लेन ऑल थ्रो द एक्ट इज़ ए जेंडर स्पेसिफिक टू प्रोटेक्ट द वुमेन मैनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड इट्स प्रिंसिबल टू ऑल इंप्लॉय हर कंपनी अपनी पॉलिसी बनाती है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए उसमें वो फीमेल और मैन दोनों को इंक्लूड कर सकती है दोस्तों क्या ये केवल फॉर्मल जो इम्प्लॉयज़ होते हैं फॉर्मल सेक्टर के जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर ही लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई भी इम्प्लॉयी जो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि कोई शॉप में काम कर रहा है या डोमेस्टिक वर्कर है या लेबर है ठीक है तो क्या उनके लिए ये एक्ट है बिल्कुल उनके लिए भी ये एक्ट है कोई भी बंदा कोई भी पर्सन कोई भी वुमेन वर्किंग इन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर काम कर रहा है इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर इंश्योरिंग दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हरासमेंट एज वेल तो ये उनके लिए भी ये एक्ट काम करता है अब रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है पॉज एक्ट मैंडेट्स दैट एवरी एम्प्लॉयर विद टैन एंड मोर एम्प्लॉयज़ मस्ट स्टेब्लिस एन इंटरनल कमेटी एक आईसी बनाएगा टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट द कमेटी इज टास्क विद फॉलोइंग तो अगर कोई भी इम्प्लॉयर जिसके पास दस या दस से ज़्यादा इम्प्लॉयज़ हैं तो उसको एक इंटरनल कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है और ये एक्ट तो सभी पर एप्लीकेबल है सभी कंपनीज़ पर ये एक्ट अप्लीकेबल है लेकिन जो आईसी बनाने की जो रिक्वायरमेंट है दस या दस से ज़्यादा अगर आपके इंप्लॉयज़ हैं तो आपको एक इंटरनल कमेटी बनानी है अब उस इंटरनल कमेटी में क्या होगा इंटरनल कमेटी में एटलीस्ट फोर मेंबर होंगे सीनियर वुमेन इम्प्लॉइज़ जो है वो उसके प्रसाइडिंग ऑफिसर रहेगी चीफ रहेगी एंड टू इम्प्लॉयज़ ऑफ फेमिलियर विद द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वन एक्सटर्नल मेंबर रहेगा किसी एन जी ओ का या लीगल बैकग्राउंड से और कंप्लेन जो उसमें फ़ाइल होगी विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द इंसिडेंट होगी मतलब कोई इंसिडेंट हुआ उसके तीन महीने के अंदर आपको फाइल करना है या फिर सीओ मोटो भी जो इंटरनल कमेटी है वो भी उसको उस केस को टेकअप कर सकती है अगर कंप्लेनेंट जो है वो इस अवस्था में नहीं है कि वो कंप्लेन रेज कर सके और इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस रहेगा अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट इंटरनल कमेटी जो है वो क्या करेगी इंक्वायरी करेगी और इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फेयरनेस द इंक्वायरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन नाइन्टी डेज नब्बे दिन के अंदर वो रिपोर्ट देंगे अपनी फाइंडिंग्स बताएंगे और सबमिट किसको करेंगे एम्प्लॉयर को मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड पेनल्टीज इफ एलिगेशन आर फाउंड टू बी ट्रू पेनल्टीज में भी इंक्लूड विद इन अपोलॉजी अपोलॉजी भी वो ले सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं सस्पेंशन कर सकते हैं जिस भी इम्प्लॉय uh, ने इसी हरकत की है तो उसका सस्पेंशन या फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है अब इम्प्लॉयर जो होता है जो एक कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉस एक्ट के अंदर जो है वो क्या क्या है क्रिएट अवेयरनेस वो अपने जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक अवेयरनेस पैदा करें ठीक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कमेटी इंटरनल कमेटी बनाए अगर दस से ज़्यादा उसके इम्प्लॉज़ हैं दस या दस से ज़्यादा और एक सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर पॉलिसी बना के रखे प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट में कुछ भी चीज़ें होती है क्या हमारे प्रोविजंस रहेंगे कंपनी के अपने बाय, बाय लॉज़ होते हैं वो सारी की सारी उस पॉलिसी के अंदर होने चाहिए और फोर्थ रहेगा इसका जैसे एनुअल रिपोर्टिंग तो एनुअल रिपोर्टिंग के अंदर क्या आता है कि जितनी भी पूरे साल के अंदर आपको कंप्लेंट्स आई है आपने उनको रिजॉल्व किया है या कोई अनरिजॉल्व रह गई है उसकी समरी जो है कंप्लेंट्स की कितनी आई कितनी रिजॉल्व हुई वो आपको किसको देनी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जो भी आपका पड़ता है अच्छा अब बात करते हैं पेनल्टीज़ फॉर नॉन कम्प्लाइंस अगर आपके ऊपर पॉस एक्ट लगता है और या फिर इंटरनल कमेटी आपको बनानी थी अगर आपने नहीं बनाई तो आपके ऊपर जो फाइन है पचास हजार रुपये का फ़ाइन लग सकता है पहले ऑफेंस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो पहले ऑफेंस में पचास हज़ार रुपये तक का पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर अगर आप रिपीटेड ऑफेंस करते हैं तो फ़ाइन में भी डबल तो डबल आपको फ़ाइन लग सकता है या फिर बिज़नेस का लाइसेंस भी आपका कैंसिल हो सकता है तो अगर आप पॉस एक्ट के अंदर आते हैं तो अपने जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर पॉस एक्ट लागू करवाइए और पॉस की जो पॉलिसी है पोज एक्ट की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करवाइए और अगर इंटरनल कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो इंटरनल कमेटी आपके कंपनी के अंदर होनी चाहिए एनुअल रिपोर्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पोज एक्ट हमारे लिए है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कुछ चैलेंजेस भी आते हैं पोज एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योंकि पोज एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो कि अभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है एम्प्लॉयर्स को नहीं पता कि पॉस एक्ट कब लागू होता है और किस किस के लिए ये कंपलसरी है और इम्प्लॉयज़ को भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता और दूसरा है स्टिग्मा रहता है कंप्लेंट्स को लेकर क्योंकि आ, कोई जनरली कंप्लेंट्स uh, करता नहीं है ऑफ़िस में इन्वॉर्मेंट अगर उस तरह का नहीं है तो वो जनरली कंप्लेंट्स होती नहीं है तीसरी चीज़ है सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशिटी भी कम होती है तो ये कुछ जो है चैलेंजेस कंपनीज़ के अंदर होते हैं पॉस एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता इस वजह से प्रॉपर तरीके से तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉस एक्ट होना बेहद ज़रूरी है तो आई होप आपको पॉस एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी अगर आपके डाउट हो तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे केस लॉ भी हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक आप स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद बाय बाय